क्या मैं 2,180 रुपये और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? 2,180 का क्या होगा? कितना जमा करना है? हेलो, 3,500 जमा कर दिया है, मैं लोन का क्या हुआ? अरे क्या कह रहे हो, कहने कहने तुम्हारा यार, अभी तो 2,850 जमा किया, 3,500 जमा किया। अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा, कितना वसूलोगे तुम लोग इसमें? कहाँ से बोल रहे हो? ये कहते हैं कि छूटेंगे जेल से और उसके बाद दोबारा खड़ी करेंगे। देखो रिश्ता आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी का हो गया। देख लोन दिलाने के नाम पे ठगी, वो फेसबुक में ऐड डालते थे बजाज फाइनेंस का लोन का, लोग उसको देख के उनको हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते थे, हेल्पलाइन नंबर ठगों का होता था, वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट देने की बात करते थे, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, और उसके बाद जैसे सेक्सटॉर्शन में हमने देखा था वैसे ही रजिस्ट्रेशन के नाम पे, प्रोसेसिंग के नाम पे, लेट फीस के नाम पे, रिफंड के नाम पे वो धीरे धीरे करके पैसे लेते चले जाते थे। इस केस में आरोपी से टोटल 5,00,000 रुपये जो है वो लिए गए। उसके बाद बैंक का डिटेल चेक किया गया, मोबाइल नंबर का डिटेल चेक किया गया और झारखंड आया, वहाँ पे टीम को भेजा गया। करीब 10 दिन तक वहाँ पर टीम रखी करी और उसके बाद इस साइबर ठग को पकड़ने में सफल रहे। चिंताजनक बात यह है कि वहाँ आसपास ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, लगातार ठगी डेली आप समझ सकते हैं 25 से 30 लोगों को ये कॉल करते हैं और उनके साथ ये ठगी करते हैं। जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, हमें बहुत जरूरी है कि यदि हम ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये उसी कंपनी का है। जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं कर पा रहे वो अच्छा है कि आजकल सारी फाइनेंस कंपनीज का ऑफलाइन सेंटर उसी शहर में रहता है, कहीं ना कहीं ऑफलाइन सेंटर जाके कंफर्म करें यदि आप इतना पैसा दे रहे हैं तो, नहीं तो आपकी जो गाड़ी कमाई है वो ठग जो है लूट सकते हैं, क्योंकि काफी लोग उधर आसपास इसी तरह का काम करते हैं। वो फर्जी अकाउंट नंबर यूज करते हैं, फर्जी सिम यूज करते हैं, लोकेशन बदलते रहते हैं, तो उनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम होता है। दुर्ग पुलिस लगातार इस तरह के साइबर फ्रॉड वालों को पकड़ रही है, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। दूसरा केस जो है वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है इसको पकड़ना और लोगों को समझना। वो क्या करते हैं, गूगल के थ्रू, गूगल में एक अप्रोप्रिएशन होता है, कोई भी चीज को आप ऊपर ला सकते हो अपने सामान को, तो कुरियर एडवाइस के नाम पे या कुरियर सॉल्यूशंस के नाम पे वो अपना गूगल में सबसे ऊपर अपना वो सर्च में ले आते हैं और उसमें उनका नंबर रहता है। मान लीजिए आपका अमेजोन का सामान नहीं आया, कुरियर नहीं आया, तो आपको कोई डाउट है तो आप यदि गूगल में सर्च करोगे अमेजोन कुरियर हेल्पलाइन तो उन्हीं का ऊपर दिखेगा, उस नंबर पे आप कॉल करोगे, वो उठाएंगे, पूछेंगे आपको क्या काम है, आप बताओ कि मेरा कुरियर नहीं आया अमेजोन का, तो बोलेंगे ये आपका नहीं आया, आप ये इस नंबर पे डायल करें, आप ये चीज करें, आपका यहाँ पे अटक गया है ट्रांजेक्शन, आप इतना पैसा दें, और वो अपना ठगी शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें आदमी को बहुत जरूरी है कि हम ऑथेंटिक नंबर का सर्च केवल गूगल से ना करें, आप जो कंपनी जो आपकी कुरियर कंपनी है उसके प्रॉपर वेबसाइट पे जाएं और वहां पे हेल्पलाइन नंबर देखें, नहीं तो इसमें काफी समझदार लोग भी शिकार बन सकते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, डेटा खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आपका
अमेजोन आपका वाले कुरियर नहीं आया टाइम पे, तो आप हेल्पलाइन नंबर ढूंढना है तो गूगल पे जाओगे, आप डालोगे कुरियर नॉट कमिंग हेल्पलाइन नंबर, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे सर्च में सबसे पहले इस फ्रॉड वाले कंपनी का नंबर आएगा, तो आप उसको सही समझ के वहां पे कॉल करोगे और फिर आप बेवकूफ बन जाओगे। तो जनता से मेरी अपील है कि किसी को भी यदि किसी कंपनी से कोई डाउट है तो उसके ऑथेंटिक वेबसाइट का पता करके वेबसाइट पे ही जाए, ये सर्च करके वेबसाइट जाने की कोशिश ना करें, इससे काफी मुश्किल में वो फंस सकते हैं। हम लोग रियल डेमो करके भी दिखाएंगे, वैभव को करा के दिखाएंगे आपको आईपीएल की कैसे ठगी होती है, कैसे वो बात करते हैं, क्या रिप्लाई आता है, जिससे थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने में मदद मिलेगी।